हरियाणा में आज से शुरू होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको लेकर डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र खटगटा ने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है। उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। शांति का काफी माहौल देखने को मिल रहा है और सभी धर्मों के लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स लगाए जाएं। इन वॉलंटियर्स के माध्यम से जो भी हमारे जो मंदिर में परिसर में जो आ रहे हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हमारी तरफ से जो रूट व्यवस्था भी बनाई गई है और जगह जगह पे थोड़ा सिक्योरिटी भी रखी गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई भी अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसको तुरंत किया जाए। बाकी शांति का माहौल है, पीस का माहौल है और लोगों में उत्साह है और सावन का पहला सोमवार है। आपने भी आशीर्वाद लिया, मैं भी बाबा भोले के आशीर्वाद लेने आया हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग शांति से आगे मंगलमय जीवन के लिए बाबा भोले को आशीर्वाद लें। सर,